देखो सर, शनिवार को जब अब आए, आपने अपनी न्यूज़ दिखाई है, सारे भाग गए यहाँ से, तो आज इन्होंने रातों रात आगे दोबारा काम शुरू किया है। और मेरा एक एडवाइस है कि डिपार्टमेंट को पास खड़े होकर काम कराना चाहिए। अभी इन्होंने पास खड़े होकर काम कराते नहीं है, तो लास्ट में फिर यहाँ से टूटी है, फिर 200 मीटर यहाँ की फिर टूट जाएगी, फिर 100 मीटर में फिर टूट जाएगी। इससे अच्छा कि पास खड़े होकर काम कराएँ और ये अच्छी मेंटेनेंस करें। अब ये सीधे सीधे इंजीनियर्स पर बात आती है, और जब नहर बन रही था वो आए नहीं, तो देखो अब मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ रही है। पहले से तो अब ठीक लग रहा है, अगर पहले तो है कुछ नहीं था, अभी फिर सरी आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो अब तो पहले कुछ भी नहीं था इसमें। ये देखो आपके सामने पड़ा है, ये वो सरी है, वही सरी में देखो कितना फर्क है। जी बिल्कुल, डेली एक्सेसर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये खबर लगाई और अभी काम इस पर शुरू हुआ है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 47 गांव और ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, और ये पानी की अभी ज़रूरत है, सख्त गर्मी के दिनों में आपको पता है कि पानी की सख्त ज़रूरत है ज़मीन में। और देखिए आपकी खबर दिखाने से ये हुआ कि ये फिर से इसका काम स्टार्ट हुआ है, जल्दी से जल्दी ये पूरा होगा तो लोगों के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए ठेकेदारों से ये कहना चाहते हैं कि काम जब करते हैं तो अच्छे से अच्छा काम करें। देखिए अभी ये शुरुआत ही हुई है और अभी आते ही ये ख़राब हो गया काम, तो इसका यह है कि अब जल्दी से जल्दी इसको ठीक करके लोगों के लिए एक सुविधा का कार्य। हम डेली एक्सेसर के बड़े आभारी हैं जिन्होंने ये खबर दिखाई, उसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ, रातों रात यहाँ पे जेसीबी मशीनें आई और ये काम स्टार्ट करवाया उन्होंने। ये तो बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन ये कुछ डिपार्टमेंट के बंदे मिले होते हैं जो अपने परसेंटेज के चक्कर में ये काम करवा देते हैं, अदरवाइज जब से आपका एक्शन हुआ उसके बाद बहुत अच्छा काम हो रहा है।